दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फोटोशूट करने के लिए आए हैं। फोटोशूट के साथ में हमारे है आज सोनी का A7M3 कैमरा। इसके साथ में हमने 85 का 1.8 का लेंस अटैच किया है और साथ ही साथ हम इसमें गोडोक्स की लाइट यूज करने वाले हैं जो कि 8200 है और X2 ट्रिगर के साथ कनेक्ट है। इसकी सेटिंग मैंने आपके साथ में पहले शेयर कर रखी है और गोडोक्स की जो भी सेटिंग होती है आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं और वहां से आप सीख सकते हैं कि गोडोक्स को किस तरह से सेट किया जाता है। यदि हम गोडोक्स लाइट यूज करते हैं तो हमें हाई स्पीड मिल जाती है, आप अच्छे तरीके से जानते हो। इसलिए हम गोडोक्स लाइट यूज करते हैं और हम एक ही सेटिंग पर काम कर लेते हैं। जैसे कि हमको 1.8 का अपर्चर रखना है, 85mm के लेंथ पर हम काम करेंगे और फोटो निकालेंगे और बाकी कैमरे की सेटिंग कोई भी हमें चेंज नहीं करना पड़ेगी। कम से कम ISO पर हम हमारे फ्लैश लाइट को अटैच कर काम निकालेंगे। हर एक फोटो की मैं आपके साथ में सेटिंग शेयर करूंगा और फोटोशूट अच्छा से अच्छा निकालेंगे। पार्लर का फोटोशूट है, फुल फोटो भी निकालना है तो ड्रेसअप भी हमें दिखाना है, तो इसके साथ में हमारे आज मॉडल आए हुए हैं। यस हेलो गाइस, दिस साइड ऋषिता जैन। ऋषिता जी का फोटोशूट हम करेंगे और देखेंगे कितने अच्छे हमें वेरिएशन हमारा कैमरा निकाल के देता है सोनी का M3। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपका दोस्त रिया बड़ोलिया, आप देख रहे हैं अजय दास फोटोग्राफी चैनल। दोस्तों कैमरे की सेटिंग मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, उससे पहले मैं बता दूं कि हमने अपर्चर को जो 1.8 रखा है और फोकस लेंथ हमारा 85mm का रहेगा जो रहेगा। लाइट की जो हमने इंटेंसिटी जो है 1/1 कर रखी है और साथ में हमने ग्रिड लगा रखी ताकि थोड़ी सॉफ्ट लाइट आए। बाकी केल्विन वगैरह जो भी सेटिंग होती है मैं आपको फोटो के साथ में शेयर करता रहूंगा। यस रेडियो। दोस्तों फोटोशूट करने के लिए आपको सबसे पहले कैमरे को रिसेट कर लेना चाहिए ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना लगे। 7 स्टेप में आपको सेटिंग रिसेट मिल जाएगा, यहाँ से आप कैमरा रिसेट कर लीजिएगा। ओके, डिवाइस रिसेट। इसके बाद आपको डिस्प्ले पर आ जाना है और आपको डिस्प्ले स्विच को प्रेस करना है ताकि आप फंक्शन अच्छे से देख सकें। ओके, इसके बाद आपको FN स्विच को दबाना है और चेक करना है कौन कौन सी सेटिंग आपको काम करना है, किस किस सेटिंग पर आपको आपका कैमरे का आपके फ़ोटो का जो है आपको सेटिंग रखना है। सबसे पहला ऑप्शन आता है हमें सिंगल शूट का, कंटिन्यू शूट का, हाई शूट का या फिर टाइमर का। सिंगल शूट हम कर रहे हैं। ओके, इसके बाद फ्लैश मोड हमारा हाई सिंक सपोर्ट का रहेगा जिसमें हमें हाई स्पीड गोडोक्स की लाइट देती है जो हम 250 के ऊपर भी जाकर काम कर सकते हैं। ऑटो फोकस एरिया रहेगा हमारा कंटिन्यू पर। ओके, इसके बाद फोकस एरिया वाइड जोन, तो हम जोन पर कर देते हैं ताकि हम टच कर हमारे फ़ोटो को अच्छा बना सके, फेस पर हम ट्रैक लेकर हमारे फ़ोटो को फोकस में ला सकें। ऑटो फोकस ऑन हमने कर दिया है यहाँ सर, ठीक है। PP ये पिक्चर प्रोफाइल है, इसका बहुत तरह का अलग अलग तरह का आप जहाँ से यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम PP ऑफ रखेंगे और इसके बाद का मेमोरी कार्ड स्लॉट टॉप 2 पर हमने मेमोरी कार्ड स्लॉट को रखा है तो 2 पर ही रहने देते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेगा। मैट्रिंग मोड आप सेंटर रख लीजिए, स्टैंडर्ड रख लीजिए, स्पोर्ट रख लीजिए, जिसे आपको चाहिए वैसा रख लीजिए। तो फिलहाल मैं स्पोर्ट पर रख रहा हूँ ताकि मैट्रिंग मोड पर हमें जो पिक्चर है जहाँ स्पॉट हम जहाँ क्लिक करें वहीं के अकॉर्डिंग हमें एक्सपोजर बना कर दे हमारा कैमरा। बाकी एक्सपोजर तो हम फ्लैश लाइट से भी कंट्रोल कर लेंगे। वाइड बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वाइड बैलेंस में आप गए 4800 का, यह बहुत अच्छा केल्विन होता है 4800 का जो हमें पिक्चर टोन, कलर टोन और फेस टोन बहुत ज़्यादा अच्छे से देता है। इसके बाद DRO ऑटो और HDR ऑटो, DRO ऑटो पर हम इसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा हम डिप में नहीं जाते हैं क्योंकि हमें नॉर्मल ही शूट करना है। एक क्रिएटिव स्टाइल इसका भी रहता है जिसे हम पिक्चर प्रोफाइल भी बोलते हैं, जहाँ से हम हमारे पिक्चर के अलग अलग तरह के कलर चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको स्टैंडर्ड पर ही रखते हैं और किसी भी तरह का इसमें एडिट नहीं करते हैं, नॉर्मली हम शूट करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारा कलर जो है इसको भी ऑफ रखेंगे और हमें पिक्चर का एरिया कितना चाहिए, 3.2 या 16.9, 3.2 हमें एरिया चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। वाइड पिक्चर आती है जो एक्चुअल में हमारा फोटोग्राफी का फीचर्स होता है। JPG फाइल चाहिए हमें या रॉ फाइल चाहिए, तो JPEG एंड रॉ हम दोनों शूट कर लेते हैं ताकि हमें जिस तरह का एडिट करना होगा उस तरह का हम कर लेंगे। फिलहाल तो हम JPG पिक्चर ही आपके साथ में शेयर करेंगे क्योंकि ओरिजिनल पिक्चर ही हमें जो है बनाना है। इसके बाद हमारी सारी सेटिंग हो चुकी है लगभग। दोस्तों एक फाइल साइज आपको अंदर भी मिलेगा जहाँ से आप आपके फाइल को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, स्टैंडर्ड, ये 3 तरह का साइज होता है जो हमें एक्स्ट्रा फाइन पर रख लेना ताकि हमें लार्ज इमेज मिल सके। इसके बाद JPG इमेज साइज, यहाँ पर 10MB, 6MB और 24MB, तो 24MB पर आप कर लीजिए, आपको लार्ज से लार्ज फोटो क्लिक कर आपका कैमरा देगा। हम डिस्प्ले स्विच को दबाएंगे, इसके बाद डिस्प्ले पर हम आ जाते हैं। FN स्विच को हम क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर भी हमें वही सेटिंग मिलते हैं जो हमने सेट किया है लगभग। ISO ऑटो नहीं रखना है हमें, 50 ISO कम से कम रखना है और हमारे कैमरे का जो
का लेंस लगाया, उसका अपर्चर जो हमें सबसे कम रख लेना है, 1.8 का अपर्चर हमारा कैमरा लेंस हमें देता है, 85mm हमने लगाया ताकि हम अच्छे ब्लर इफेक्ट ला सकें। ISO हमने 50 कर लिया, इसके बाद जो है हमारी शटर स्पीड के ऊपर हम काम कर हमारी फ्लैश लाइट के एक्सपोजर के साथ में पिक्चर को हम परफेक्ट बना लेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इधर आइए, क्लोज, हाथ थोड़ा सा ऊपर जान दो, हाँ थोड़ा कॉर्नर पे लाओ हाथ, आगे आगे और आगे और आगे, यस। अब जैसा आपको कंफर्ट लगता है ऐसे रख लीजिए, फेस का डायरेक्शन इस तरफ रखिए, यस गुड, स्माइल। दोस्तों आपको फोटोशूट करते करते अलग अलग वेरिएशन ले लेना ताकि पोजिंग में आपको डबल से नहीं करना पड़े। एक फोटो हमने फुल लेंथ का बना लिया, एक थोड़ा क्लोजअप बना लेते और एंगल थोड़ा चेंज कर लेते, हो सकता है हमारे सब्जेक्ट के एक्सप्रेशन थोड़े अच्छे मिल सके हमें, यस। वेट, वन मोर स्माइल, यस आईज डाउन, यस स्माइल। फोटोशूट को आप इस तरह से अलग अलग एंगल से ले लेंगे, इनमें से एक फोटो को आपको फाइनल करना है और आउटपुट अच्छा निकालना है। नया फोटोशूट कर लेते हैं और देखते हैं नए बैकग्राउंड के ऊपर कितना अच्छा फोटो आता है। दोस्तों एक बार फिर से हम शूट करके देखते हैं, इसमें हमने थोड़ी सी नई ट्रिक्स यूज करी है। हमने जो लाइट का डायरेक्शन है थोड़ा सा ट्राइंगल रखा है, फ्रंट पे नहीं रखा, फ्रंट पे हमें सनलाइट थोड़ी अच्छी मिल रही है, अभी सनलाइट का फोटो अच्छे से बन सकता है, तो हमने क्यों ना ट्राइंगल देकर थोड़ा फोटो को अमेजिंग बनाया जाए और उसके साथ साथ में थोड़ा सा कलर इफेक्ट दिया जाए, यस। फोटो का आप देखना, जब फोटो क्लिक हो जाता है तो आपको अलग ही लगेगा कि भैया कुछ हमने ट्राइंगल पे फ्लैश को यूज किया है तो हमें इफेक्ट अच्छे मिले, यस स्माइल। थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा अक्षरा, यस थोड़ा सा आगे आ जाओ, इसका ट्राइंगल यस यहाँ पे बनेगा, इस लाइट के डायरेक्शन के यहाँ पर आ जाओ, है ना इस तरफ, बस ओके यहाँ से अच्छा बन जाएगा, यस। फेस का डायरेक्शन एक बार इधर करना, यस वेरी नाइस, थोड़ा शोल्डर के नीचे झुकाओ ऐसे, हाँ यस, वेट, बहुत अच्छा फोटो आया और बहुत अच्छा इफेक्ट आया। इसी में हम एक फोटो ले लेते, क्योंकि कभी हमारे सब्जेक्ट की डिमांड हो सकती है कि फुल फोटो बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से फोटो क्लोजअप आया हुआ था, तो आप साथ साथ में दो फोटो क्लिक जरूर कीजिएगा, यस हाँ, आईज डाउन स्माइल, बहुत ही परफेक्ट फोटो। ये आप तभी कर पाएंगे जब आप लाइटिंग यूज करते हैं, अगर लाइटिंग आप यूज नहीं कर पाएंगे तो ये फोटो आपका नहीं आ पाएगा। इसके लिए आपको बहुत सारी ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि एक लाइट हमने बैक में लगा दी, एक लाइट हमने फ्रंट पे लगा दी, उसके साथ साथ हम रिफ्लेक्टर यूज कर लेंगे तो फोटोग्राफी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए और कुछ नया शूट करते हैं और देखते कितने अच्छे इसके इफेक्ट आते हैं। दोस्तों एक और फोटो शूट कर लेते हैं कुछ अलग एंगल से और क्लोजअप भी, यस। फेस पे आपको डिटेक्ट करना है ताकि फेस अच्छा आए, फेस फोकस में आए, यस स्माइल। थोड़ा सा आप झुक जाते रहो, इस तरफ से झुको मत, मतलब एक पैर पे मत खड़े रहो, शोल्डर आपका नीचे जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहो, यस वन मिनट स्माइल, वेट, थोड़ा सा मेरी तरफ टर्न करो, हाँ ये भी अच्छा लगेगा, कोई इशू नहीं, वो तो हो गया फोटो अपना, है ना। थोड़ा टर्न करके शोल्डर इसे नीचे झुकाओ, गर्दन ऐसे गर्दन नीचे करके नीचे देखो, हाँ यस ये स्माइल, वेरी नाइस। दोस्तों लाइट को हमने इस जगह सेट किया है और अब हम फोटो शूट करने वाले हैं रेंडम, वहां से हम वॉक करवा के हमको मॉडल को बुलाना है और एक प्रॉपर जगह पर हमें क्लिक करना है, तो हम इंस्ट्रक्शन पहले से दे लेते हैं ताकि हमको फोटो शूट में कोई प्रॉब्लम ना आए और लाइटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, जैसा हम चाहते हैं वैसी लाइटिंग आ पाए। आपको इस जगह आके लगभग लगभग फोटो क्लिक होगा ना वहां से, लेकिन आप एक्सप्रेशन के साथ में आना, ठीक है ना, इस जगह ये जो लाइन बनी हुई है ना थोड़ा सा इधर, यस ठीक है, यस आमो स्टाइलिस्ट, यस वेरी नाइस, थोड़ा ऊपर देखो इधर, दो तीन पोज दे दो ऐसे ही, यस पीछे घूमो, हाँ आप शोल्डर पार्ट टिकाओ, यस ये इधर देखो, थोड़ा सा डाउन करो फेस डाउन स्माइल, बहुत बढ़िया ठीक है, ओके डन।
स्माइल, वन मोर, एक बार कैमरे में मत देखो आप, इस तरफ देखो ज्यादा अच्छा रहेगा। यस स्माइल दोस्तों, फोटो बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे आ रहे हैं और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। कैमरा भी फोकस बहुत अच्छे से कर रहा है और क्लोजअप फोटो में जो शार्पनेस देखी जाएगी आपकी वो भी बहुत अच्छी है। किसी ना किसी तरह से सोनी A3 से आप फोटोशूट भी बहुत अच्छे कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा स्टेबल जरूर रहना पड़ेगा, तभी आपकी फोटोग्राफी अच्छी हो पाएगी, क्योंकि थोड़ा स्टेबलाइजिंग हमें इस कैमरे के लेंस में नहीं मिलता है। लेंस में नहीं मिलता है, इस वजह से आपको आपका हाथ जो है थोड़ा स्टिल रखना पड़ेगा। दोस्तों क्राफ्टिंग के साथ में आपको फोटोग्राफी हमेशा करना चाहिए। जो भी आपके आसपास दिख जाती है क्राफ्टिंग, उससे आपके फोटो में अलग ही ग्लो आता है। यदि आपको अगर क्राफ्टिंग नहीं मिलती है किसी भी जगह, तो आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप वीडियो पर जाकर आपकी अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। यहां पर हमें एक क्राफ्टिंग मिला था, उसके अकॉर्डिंग हम फोटोशूट करके देख रहे हैं किस तरह की हमारी फोटोग्राफी हो पाती है। आप हमेशा क्राफ्टिंग के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो बहुत अच्छी फोटोग्राफी हो सकती है आपकी। फेस का डायरेक्शन चेंज करो, इस तरफ का फेस ले लो और इस तरफ ये रखो। यस हाँ, वन मिनट। यस डाउन डाउन, हाथ डाउन, हाफ डाउन करो, थोड़ा डाउन करो, थोड़ा डाउन। यस स्माइल, ये हाथ चलिए मो आगू फास्ट, थोड़ा फास्ट तो मजा आएगा। एक काम करो, राउंड ये वाला लो आप, इस तरफ वाला राउंड लो और थोड़ा इधर आ जाओ। यस करो मो मो, यस फास्ट फास्ट, ये गुड नाइस। वन मोर, यस गुड, ओके वो चेक कर लेता हूँ मैं। वेट। दोस्तों इस तरह से आप फोटोशूट कर सकते हैं। सारे इंस्ट्रक्शन मैंने आपको आपके साथ में शेयर करे हैं कि आप रनिंग मोमेंट में किस तरह से काम कर सकते हैं और किस तरह से आप आपके बैकग्राउंड को बना सकते हैं। पहले आप फ्रेमिंग को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप सब्जेक्ट को ट्रैक कीजिए और फिर फोटो क्लिक कीजिए। आपका फोटो परफेक्ट आएगा और किसी भी तरह से आउट नहीं जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ बनाएगा नई नई फोटोग्राफी टिप्स साथ में। फिर मैं आपको मिलता रहूँगा, तब तक के लिए गुड डे।